हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नारनौल में हरियाणा न्यूज की खबर का एक बार फिर से असर हुआ। दरअसल बुजुर्ग महिला के पिटाई करने के मामले में आरोपी बहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि हरियाणा न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। मामले में आरोपी बहू का कहना है कि बुजुर्ग महिला ने कपड़ों में शौच कर दिया था, जिससे उसे गुस्सा आ गया और उसने अपनी सास की पिटाई कर दी। और साथ ही आरोपी बहू ने यह भी कहा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन यहां सोचने वाली बात यह है कि अपनों के साथ ऐसा बर्ताव हमारे इंसानियत पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिलहाल पुलिस ने बुजुर्ग महिला को अस्पताल में दाखिल करवा दिया है। अपने आप से मुझे गुस्सा आ गया, मैंने ऐसे बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए आज मुझे क्षमा कर दो। बस वो बहुत जोर से आएगी, मैं डर जैसी मैंने गलती करी, भगवान जैसी गलती ना तो करवाए रहा ना भगवान, तो ये ऐसी बहुत खुशी थी। मेरी काका से मेडिकल करा दिया है, उसकी बड़ी बेटी ने जाना चाहती है। महिला को हमने जो आरोपी आन है उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है दिल्ली से, आज केस अदालत में। मनोज गोस्वामी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। मनोज, क्या अपडेट्स हैं? अपडेट ये है कि सुबह की घटना बताई जा रही है, 11 बजे महिला की मृत्यु हुई और परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते मृत्यु हुई है। बाद में डॉक्टर ने इसे रेफर कर दिया, लेकिन दूसरे अस्पताल में जब परिजन लेकर गए तो वहां इमरत पाई, उसके बाद डेड बॉडी को लेकर वे वापस आए हैं शव को, और यहाँ पर रखकर मांग कर रहे हैं डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की, और जो शव है उसका जो पोस्टमार्टम है वो रोहतक बोर्ड बिठा के। कमला जी इंस्पेक्टर हैं महिला थाने की, वो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। कमला जी, क्या कार्रवाई बनती है इस पूरे मामले में? जो मृत महिला के साथ मारपीट हुई उसमें हमने पर्चा दर्ज कर दिया 323/506 का, और आरोपिया को हमने गिरफ्तार कर लिया है। हाँ। और पेश अदालत करके वो जुडिशल जा चुकी है। तो बुजुर्ग महिला की स्थिति इस वक्त ठीक है? अब ठीक है, अब ठीक है। तो इसमें क्या प्रावधान है जी? इसमें कानूनी रूप से क्या प्रावधान है, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनको भी पता चले कि इस तरह के मामले में कानूनी रूप से प्रावधान क्या है, किस तरह की सजा है? नहीं, सजा तो मजिस्ट्रेट का है, जो धाराओं के तहत है, जिस धाराओं में तहत दर्ज हुआ है वो तो फिर मजिस्ट्रेट ही सजा दे सकते हैं। नहीं कमला जी, वो तो हम जानते हैं कि अदालत में ही तफ्तीश से पूरी करके हम अदालत में देंगे। फिलहाल क्या ये बेलेबल है ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है, क्या है? ये तो बेलेबल ऑफेंस था, लेकिन उसके हालात में देख के वीडियो वगैरह वो जुडिशल में भेज दी गई। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।